हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पिस्ता के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप पिस्ता को खाते हैं तो आपको कौन कौन से जो फायदे हैं, कौन कौन से जो लाभ हैं, वो देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप पिस्ता को ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो कौन कौन से नुकसान जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जो पिस्ता है, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। मान लीजिए रसमलाई, जैसे बहुत सारे लोग जो रसमलाई खाते हैं उसमें पिस्ता फ्लेवर जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कई दफ़ा क्या होता है कि बहुत सारी रेसिपी ऐसी होती हैं उनमें सजावट के तौर पे पिस्ता जो है वो यूज़ किया जाता है। कई दफ़ा आपने कुल्फ़ी वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, या कई बार आपने केक जो है वो पिस्ता फ्लेवर की खाई होगी। मतलब कई तरीके से जो पिस्ता है वो यूज़ में हम लोग लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो पिस्ता है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी जो है वो नहीं होती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि पिस्ता में क्या क्या पाया जाता है और इसको खाने से क्या सच में वज़न बढ़ता है या घटता है, ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और पिस्ता को खाने से कौन सी भयानक बीमारी जो है उससे हम बच सकते हैं, वो भी आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, जो पिस्ता है, अगर आपने अपनी डाइट में शामिल नहीं किया है तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि ये भरपूर इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट का जो मात्रा है वो भरपूर मात्रा में मिलती है इसमें, और कैलोरी की जो मात्रा है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, उसको स्वस्थ रखने में भी जो पिस्ता है बहुत मददगार होता है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं उनका हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी कम हो जाता है। जैसे मेरा, मैं खुद का बताऊं, जो हीमोग्लोबिन है वो मेरा कई दफ़ा डाउन हो जाता है। तो अगर आपका भी हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है तो अगर आप पिस्ता का यूज़ करते हैं, पिस्ता को अगर आप खाते हैं, तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कभी भी कम नहीं होगा। और अगर आप वज़न को बढ़ाना चाहते हैं या वज़न को कम करना चाहते हैं तो पिस्ता को आप ले सकते हैं, क्योंकि जो पिस्ता होता है, जैसे मैंने पहले बता दिया है कि एंटीऑक्सीडेंट इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत अच्छी तरीके से पाई जाती हैं। और पिस्ता में विटामिन B6, प्रोटीन, मिनरल्स, कॉपर, फास्फोरस आदि बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और जो शोधकर्ता हैं, मतलब जिन्होंने इसके बारे में जानकारी जो है वो दी है, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि आज से ही नहीं, मतलब हजारों साल से जो पिस्ता है उसका हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, उसका जो फ़ायदा है वो उठाते चले आ रहे हैं। क्योंकि जब हम पिस्ता को खाते हैं तो ये कई सारे इन्फेक्शन, जैसे मान लीजिए जल्दी जल्दी बहुत सारे लोगों को फ्लू हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो क्या होता है कि उनका जो शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। और कई दफ़ा वो मान लीजिए घर से बाहर निकल जाते हैं मिट्टी में, या उनको ज़रा सी भी गंदगी उनको मिलती है तो उनको बड़ी जल्दी फ्लू जो है वो पकड़ लेता है, जुकाम हो जाता है कई दफ़ा, तो अगर इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर आपको ये सारी समस्या हो जाती है तो आप ये मान लीजिए कि आपको पिस्ता जो है वो ज़रूर खाना चाहिए, पिस्ता का जो यूज़ है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन इसीलिए बढ़ता है कि आपका जो शरीर है, आपके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। मान लीजिए मैं कैसे आपको समझाऊं, जैसे किसी चीज़ को खाते हैं तो आपको जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है वो मिलता है। तो अगर आप कहीं जाते हैं, आपका जो अंदर से, मान लीजिए कि आप अंदर से मजबूत हैं, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, उनका जितने अच्छे से आप ख्याल रखेंगे, अच्छे से जितने अच्छे से उनको दाल वगैरह, दूध वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देंगे, तो उनका जो इम्यूनिटी पावर है वो मजबूत रहेगा। तो अगर वो कहीं भी मान लीजिए थोड़ी गंदगी में भी खेल के आएंगे, या ज़रा सा भी कहीं मान लीजिए थोड़ी सी हवा चल जाती है या थोड़ा सा मौसम जो है वो चेंज हो जाता है, तो उनको जो फ्लू है वो हो जाता है, तो अब नहीं होगा अगर आप जो मान लीजिए पिस्ता है उसका यूज़ करते हैं। तो साथ साथ में बड़े लोग भी, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको धूल से एलर्जी हो जाती है, तो वो बाहर जाते हैं और उनको धूल वूल मिल जाती है तो उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेता है, इससे वो बीमार हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको जुकाम हो जाता है। तो वो भी इसी कारण से होता है कि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम, उनका जो इम्यूनिटी पावर है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। और अगर आप पिस्ता को खाते हैं तो आपको जो इन्फेक्शन है वो नहीं होगा, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। कुल मिला के इन्फेक्शन से हमारे शरीर को बचाता है जो पिस्ता होता है। तो अगर आपने अभी तक पिस्ता को अपने डाइट में शामिल नहीं किया है तो आप पिस्ता को अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारी इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं, इसके कारण से हमारा जो शरीर है वो मजबूत रहता है और हम छोटी मोटी जो बीमारी हैं उनसे बचे रहते हैं। अगर हम खाते हैं पिस्ता तो कैंसर जैसी
किसी बीमारी से भी बचा जा सकता है। साथ ही साथ जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बादाम खाइए, इससे याददाश्त जो है वो कम मजबूत होती है, इसी तरीके से अगर आप जो पिस्ता है उसका यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, तो ये आपकी ब्रेन जो है, ब्रेन का जो फंक्शन होता है उसको बहुत ही अच्छा, मतलब जो सिस्टम होता है उसको बहुत ही बेहतर बना देता है, और इसके कारण से जो आपका ब्रेन है उसका जो रक्त संचार है वो बढ़ता है, और ये ब्रेन को बहुत ही मजबूत रखता है, बहुत ही स्वस्थ रखता है। तो पिस्ता को अगर आप खाते हैं तो ये आपके मस्तिष्क जो है, जो आपका ब्रेन है उसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से चलाता है। साथ ही साथ बहुत सारे नट्स होते हैं, मान लीजिए बादाम, अखरोट, ये जो नट्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी जो है वो पाई जाती है, लेकिन जो पिस्ता है उसमें बहुत कम कैलोरी पाई जाती है। इसके कारण बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पिस्ता को खाने से वज़न जो है वो कम हो जाता है, और जैसे मान लीजिए बादाम या अखरोट है उसको खाने से हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सुचारू रूप से काम करता है, साथ ही जो वज़न है वो एकदम से प्रॉपर तरीके से रखता है। साथ ही साथ अगर आप पिस्ता को खाते हैं, मान लीजिए अपनी डाइट में शामिल रखते हैं, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो ल्यूटिन है वो पाया जाता है, इसके कारण से हमारी जो आँखें हैं वो स्वस्थ रहती हैं, और पिस्ता जो है वो बहुत ही अच्छा स्रोत है हमारी आँखों के लिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारी जो है इस समय फैल रही हैं हमारी आँखों में, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको चश्मा लग जाता है बहुत ही छोटी उम्र में, या उनकी जो आँखें हैं इस समय बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिचुएशन ऐसा था तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अभी लैपटॉप टीवी से लैपटॉप या फ़ोन से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कर रहे हैं, तो उनकी जो आँखें हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, आँखों में बहुत सारी बीमारी जो हैं वो हो जाती हैं। तो अगर आप पिस्ता को अपनी डाइट्स में शामिल करते हैं तो आँखों जैसी जो बीमारी हैं वो नहीं होंगी, आपकी बच्चे की आँखें या आपकी जो आँखें हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स है तो अगर आप पिस्ता को खाते हैं तो जो आँखें हैं वो भी बहुत ही मजबूत हो जाती हैं, आँखों की जो रोशनी है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो पिस्ता को ज़रूर डाइट्स में शामिल कीजिए क्योंकि इसके बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि जो पिस्ता है उससे क्या नुकसान है, तो जो पिस्ता है अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो जैसे मान लीजिए अखरोट या बादाम है उसका जो तासीर है वो गर्म होता है, वैसे ही जो पिस्ता है इसका जो तासीर है वो गर्म होता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, मान लीजिए कि आप 2-4-6 इस तरीके से खाइए, बहुत ज़्यादा मत खाइए, 5-6 जो पिस्ता है वो आप एक दिन में खा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप खाते हैं, मान लीजिए आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उसका जो ऊपरी सतह होता है वो निकालना पड़ता है, जैसे मूंगफली है वो छील के हम खाते हैं उसी तरीके से जो पिस्ता है वो छील के खाया जाता है, कई दफ़ा छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है पिस्ता और इसके कारण से उनको लत जैसी लग जाती है, बहुत ज़्यादा वो खा लेते हैं, तो अगर आप ज़्यादा पिस्ता बच्चों को देते हैं या आप खुद ज़्यादा पिस्ता खाते हैं तो आपके पेट में ऐंठन, पेट खराब होना, खट्टी डकार, पेट फूलना, कब्ज, सूजन, बहुत सारी जो समस्याएं वो देखने को मिल सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप जो पिस्ता है उसका सेवन ना करें, आप जितना डाइट में शामिल कीजिए, मतलब 5-6 जो पिस्ता है वो बस शामिल कीजिए, बहुत ज़्यादा शामिल ना कीजिए, कि अगर आपके बजट में है तो जो पिस्ता है वो अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए, आप खुद ज़रूर खाइए पिस्ता। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको पिस्ता के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो देने की पूरी कोशिश करूंगी। बाय बाय दोस्तों।